नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर, यहां डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एची हाई स्कूल, कोट रोड, गिरडी। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा, गिरडी। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड, बोड़ो, गिरिडीह। करोड़ की राशि से पीटांड मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और मंत्री बसंत सोरेन ने किया उद्घाटन। 3 साल में योजना को पूरा करने का रखा गया लक्ष्य। 8531 हेक्टेयर भूमि को किया जाएगा सिंचित। पारंपरिक तरीके से अतिथियों का किया गया स्वागत। दस माह से बिना मानदेय के काम कर रही GSLPS में कार्यरत GCRP स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने झंडा मैदान में की बैठक। बकाया मानदेय का भुगतान 20 मार्च तक करने का किया गया मांग, वरना उग्र आंदोलन करने के लिए दिया गया अल्टीमेटम। कोडरमा लोकसभा चुनाव के लिए भाकपा माले ने कोवाड़ से किया अभियान की शुरुआत। सदर प्रखंड के प्रमुख पार्टी कार्यकर्ताओं की भी हुई बैठक। सभी बूथों पर कमेटियां बनाने का लिया गया निर्णय। और कला संगम के तत्वावधान में आयोजित नाट्य महोत्सव के तीसरे दिन 5 नाटकों का हुआ मंचन। दर्शकों ने उठाया शानदार अभिनय का लुप्त, उत्साह से भरा रहा माहौल। पीरटाड़ मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास रविवार को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पीरटाड़ से विधिवत रूप से किया। बताया गया कि 639.20 करोड़ की राशि से मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का निर्माण होगा। 8531 हेक्टेयर भूमि इस योजना से सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके पूर्व मुख्यमंत्री श्री सोरेन पथ निर्माण भवन निर्माण एवं जल संसाधन विभाग के मंत्री बसंत सोरेन व अन्य अतिथियों का स्वागत DC नमन PS लकड़ा, SP दीपक शर्मा द्वारा बूके देकर किया गया। इसके बाद पुलिस जवानों के द्वारा मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यहाँ के बाद CM का काफिला सीधे कार्यक्रम स्थल मधुबन के संक्रांति मेला मैदान पहुँची। यहाँ भी DC, DDC, AC, उपनगर आयुक्त ने मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री अतिथियों का स्वागत बुके और नन्हा सा पौधा देकर किया। जिसके बाद स्थानीय विधायक सुदेव कुमार सोनू ने CM और मंत्री बसंत सोरेन को जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस दौरान अपने संबोधन में श्री सोनू ने कहा कि आज का दिन पीरटाड़ के लिए बड़ा ही खास और ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि झारखंड सरकार की ओर से आज यहां के आदिवासी मूलवासियों को बहुत ही बड़ी सौगात मिली है। बताया गया कि मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना से इस प्रखंड के 17 पंचायत के लाखों आबादी लाभान्वित होंगे। कहा कि यहां के खेतों तक पानी पहुंचे और किसानों का इसका फायदा हो, इसको लेकर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास किया गया है। कहा कि 3 वर्षों में इस कार्य को पूरा कर लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मंत्री बसंत सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जब सरकार ने राज्य की सत्ता संभाली, उसी समय झारखंड में केवल विकास करने की ठान रखी थी। आज इसका जीता जागता उदाहरण आप सभी के समक्ष है। कहा कि भाई हेमंत सोरेन को एक साजिश के तहत केंद्र सरकार द्वारा ED का गलत इस्तेमाल कर जेल भेजने का काम किया गया है, जिसको लेकर यहां के सभी लोगों में आक्रोश है। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने सबसे लंबे दिनों तक झारखंड की सत्ता संभाली, लेकिन कहीं भी पाइप बिछाने का काम नहीं किया। हमारी सरकार आज इतनी बड़ी सौगात लेकर आप सभी के बीच आई हुई है। कहा कि भाजपा सरकार की नज़र यहां की खनिज संपदा लूटने पर था। हमारी सरकार यहां के खेत खलिहानों और किसानों को मजबूत करने के लिए
काम कर रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत किया जा सके। गांव से ही शहर का विकास हो सकता है और उसी से राज्य का भी विकास होगा। कहा कि प्रकृति की गोद में बसी झारखंड को पूर्व की सरकार ने लूटने का काम किया है। इन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि भाजपा बहुरूपिया है, उनके बहकावे में नहीं आए वरना झारखंड का फिर से वही हाल होगा। मौके पर जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी, सीएम के सचिव अरवा राजकमल समेत कई लोग मौजूद रहे। भाजपा के नेतृत्व में झारखंड चल गया, एक पीठ चाड़ लिया, एक गुरु जी का एक ग्राम क्षेत्र था आंदोलन का, आज ये पूरा झारखंड क्षेत्र में आंदोलन के भी गुण सुनने लगा। लेकिन इस क्षेत्र में बहुत दिन के बाद जिस जगह से झारखंड के आंदोलन का बुनियाद है, यहाँ गुरु जी का आश्रम भी है, इसलिए आज हम लोग को समझना है पिछले सरकार जो डबाली जी का सरकार कभी इस तरह का योजना नहीं सोचा, सिर्फ उनका बहुरूपिया बातों का झारखंड की जनता को खाली गुमराह करने की बात किया। अपनी मांगों को लेकर JSLPS में कार्यरत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने रविवार को झंडा मैदान में बैठक कर अपनी आवाज बुलंद की। इसकी अध्यक्षता समूह की अध्यक्ष बबीता देवी ने की। बैठक में मुख्य रूप से कार्य कर रही महिलाओं को लगभग 10 माह से मानदेय नहीं मिला है, इसका विरोध किया गया। बताया गया कि मई 2023 से फरवरी 2024 तक कुल 10 माह से हम सभी महिलाओं को JSLPS द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है, जो चिंता का विषय है। इस तरह से हम लोगों को अब काफी दिक्कत होने लगी है। बताया गया कि हम सभी महिलाएं अपने अपने कार्य क्षेत्र में 10 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी करते हुए आ रही है, लेकिन मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है। अध्यक्ष बबीता देवी ने कहा कि हम लोग रोजाना सुबह से शाम तक क्षेत्र में घूम घूम कर गरीबी और सामाजिक विकास के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन लगभग 10 माह से हम लोग का मानदेय को रोक रखा गया है। बार बार मानदेय की मांग करने के बाद भी हम लोगों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। मानदेय नहीं मिलने के कारण आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस दौरान एक आवेदन DMSD के नाम तैयार किया गया। बैठक में कहा गया कि यदि बकाया मानदेय 20 मार्च तक नहीं दिया जाता है तो हम सभी महिलाएं एकजुट होकर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। बैठक में मुख्य रूप से महिमा देवी, गुड़िया देवी, ललिता कुमारी, सविता कुमारी, रीना कुमारी, अंजू वर्मा, राखी कुमारी, रूपा कुमारी, काजल कुमारी, रेखा देवी सहित सभी प्रखंड की महिलाएं मौजूद रही। और हम लोगों को यहाँ पे गिरिडीह जिले में 6 ब्लॉक में ये जेंडर सियासी का काम चल रहा है, जेंडर को लेकर, जिसमें हमारे प्रत्येक 6 ब्लॉक से लोग उपस्थित हैं, दीदी लोग, जिसमें हमारे सभी क्लस्टर से जेंडर सीआरपी आई हुई है। और हमारी जो समस्या है, मैं समस्या को अवगत करवाना चाहती हूँ कि हम लोग को 11 मंथ से लेकर अभी तक कोई मानदेय का मतलब कि पैसा का लेकर मतलब अभी तक मिला नहीं है। और हम लोगों का जो है बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति से हम लोग को दिक्कत हो रही है, और हम लोग को बाल बच्चे की समस्या, घर का समस्या ज़्यादा ही ख़राब हो गया है, जिससे हम लोग को ये मतलब एक जगह अपने संघ को लेकर बैठना पड़ा है। और हम लोग की मांगे नहीं की जाएगी तो फिर हम लोग आगे और इसका उग्र आंदोलन करेंगे। और हम लोग 20 तारीख तक अगर रुका हुआ मानदेय अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो हम लोग अपने बच्चे के साथ ये धरना प्रदर्शन करने के लिए हम लोग फील्ड में आके तैयार। कितने माह से आप लोग का मानदेय? हम लोग को 11 मंथ से अभी तक मानदेय नहीं मिला है। जब हम लोग CCPRP को पहले बोलते हैं क्लस्टर लेवल में, तो हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि हम लोग तो बात करेंगे, हम लोग सबसे DPM से बात करेंगे, BPM से बात करेंगे, हम लोग आपके पीछे हैं, सिर्फ हम लोग को आश्वासन मिल रहा है। जबकि हम लोग सुबह 10 बजे से लेके फील्ड में 5 बजे शाम तक भूखे प्यासे बाल बच्चे को छोड़ के हम लोग फील्ड का काम करने के लिए उतरे हुए हैं, और हम लोग घर का सारे चीज़ को छोड़ते हुए, लेकिन हम लोग का समस्या सुनने के लिए कोई यहाँ पे है भी नहीं। और हम लोग जेंडर CRP पद में काम करती हूँ, जो कि हमारे NGO का नाम है JSLPS। और हम लोग यहाँ पे इसलिए मौजूद हुए हैं और सब गठन भी बनाए हैं कि हम लोग का 10 मंथ हो गया
अभी तक हम लोग को पेमेंट नहीं मिला है, जो कि हम लोग 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक फील्ड में वर्क करते हैं, तो क्या हम लोग ऐसे भूखे प्यासे काम करें? हम लोग को अभी तक मानदेय नहीं दिया जा रहा है। बस जो हम लोग से ऊपर है, सीनियर है, बता रहे हैं नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, आज से नहीं 10-11 मंथ से, और आज तक हम लोग का मानदेय नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे गठन बनाए, जिसकी मैं सचिव हूँ, और आगे भी अगर इस मंथ 20 तारीख तक हम लोग को पेमेंट नहीं मिलेगा, तो हम लोग आगे और भी आंदोलन को एक मजबूत बनाएंगे और भी हम लोग आगे तक जा सकते हैं। कोडरमा लोकसभा चुनाव के लिए भाकपा माले ने रविवार को कोवाड़ से अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान सदर प्रखंड के प्रमुख पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक कर सभी पंचायतों में जनता के सवालों पर सभाएं करने तथा सभी बूथों पर कमेटियां बनाते हुए घर घर से चुनावी संघर्ष कोष इकट्ठा करने की रणनीति बनाई गई। बैठक की अगुवाई जिला कमेटी सदस्य संजय चौधरी तथा मनोज कुमार यादव ने करते हुए कहा कि कोडरमा में माले ही मजबूत है और हम लोग ही भाजपा को हराएंगे। इधर बैठक में मौजूद पार्टी नेता अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने देश को जुमलों में फंसाकर ठगने का काम किया है। देश के किसान, मजदूर, युवा सभी सरकार से 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन जन सवालों पर असफल मोदी सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। श्री यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपने अपने इलाके में टीम बनाकर घर घर से समर्थन जुटाने और चुनावी संघर्ष कोष इकट्ठा करने के निर्णय को लागू करने का आह्वान किया। कहा कि जनता इस बार भाजपा को हराएगी। बैठक में मुख्य रूप से संजय चौधरी, मनोज कुमार यादव, ठाकुर मंडल, तालेश्वर मुर्मू, पंकज वर्मा, कार्तिक वर्मा, रियाज अंसारी, बबलू मुर्मू, जीशु टुड्डू, दीपक वर्मा, बालेश्वर यादव, सोहन कोल, बंधु कोल, सुरेश ठाकुर, शंकर कोल, बुद्धन यादव सहित अन्य मौजूद रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव का ऐलान होने ही वाला है और इस कोडरमा की धरती से हम लोग जो पूरे देश में नारा चल रहा है भाजपा हटाओ देश बचाओ, इस नारे के तहत हम लोग उसको यहाँ उसको हकीकत में बदलने के लिए पूरे कोडरमा क्षेत्र में हम लोगों की तैयारी शुरू हो चुकी है। और आज इसी क्रम में हम लोगों ने गिरिडीह ग्रामीण जो गांडे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत है, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में आता है, हम लोगों ने यहाँ तमाम प्रमुख साथियों के साथ एक बैठक की है और घर घर से सहयोग लेकर घर घर से मोदी सरकार की गलत नीतियों के बारे में व्याख्या करते हुए हम लोग पूरा संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और इस बार एकदम मजदूर किसानों ने यह ठान लिया है कि जिस सरकार ने महंगाई बढ़ाने का काम किया, जिस सरकार ने झारखंड के युवाओं को बेरोजगारी के रास्ते में धकेलने का काम किया, जिन्होंने लॉकडाउन से लेकर के नोटबंदी में तमाम तरह की मुसीबतें देश की गरीब जनता के ऊपर थोपने का काम किया, और जो सरकार कॉरपोरेटों के चंदे से चल रही है और चंदा घोटाला के रूप में भी यह बात अभी सामने आ चुकी है कि यह सरकार मोदी सरकार जिसने अच्छे दिन का नारा देकर के और यहां आम लोगों का वोट लिया, युवाओं का वोट लिया, किसान मजदूरों का वोट लिया, लेकिन इन्होंने सरकार बना करके जिसके पैसे से सरकार बनाया और उसी कॉरपोरेट को ये लोग रात दिन फायदा पहुंचा रहे हैं। हजारों हजार करोड़ लाखों करोड़ ये लोग कॉरपोरेटों को छूट दे चुके हैं, उनका कर्जा माफ करवा चुके हैं और दूसरी ओर जनता यहाँ अपने ही समस्याओं से त्रस्त है। इसलिए तमाम लोग इस बार एकजुट हैं और इस कोडरमा की धरती पर इस बार लाल झंडा लहराएगा और यहाँ संघर्ष की आवाज लोकसभा में पहुंचेगी और हम लोग यहाँ भाजपा को परास्त करेंगे। इसी संकल्प के साथ यहाँ कोवाड़ में आज की बैठक सम्पन्न हुई है। बैठक में शामिल तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। कला संगम गिरिडीह के तत्वधान में सवेरा सिनेमा हॉल में आयोजित 3 दिवसीय प्रतियोगिता के तीसरे दिन रविवार को 5 नाचकों का मंचन हुआ। सलूजा गोल्ड के सहयोग से चल रहे इस महोत्सव में शास्त्रीय व लोक नृत्य ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। नाचकों में रीवा मध्य विद्यालय ने, उसके साथ रंगश्री पटना ने, वी वॉन्ट जस्टिस नटराज नृत्य परिषद ने, उड़ीसा ने सुने पुजारी, निशान टाटा ने, अश्वस्थामा पथ टाटा ने नाटक नहीं मन
मंचन किया। सभी नाचकों ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। कला संगम के नृत्य निदेशक दिव्या सहाय ने उप शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शास्त्रीय व लोक नृत्य श्री परन दत्ता, रजनया घोष, मेघा चंद्र, कौशनी सरकार, आराध्या दास चौधरी, समरियात दास, गौरव सरकार, अनन्या प्रसाद, अदृश्या मुखर्जी, ऋषिका सिंह, कौशिकी चक्रवर्ती, आयुषी दास, बर्नाली पॉल, श्रेयांसी, मनीषा कश्यप ने प्रस्तुत किया। प्रतियोगिता के निर्णायक रंग निदेशक अशोक मानव, मोहम्मद निजाम व सरसी चंद्र थे। मौके पर दिल्ली के सुरेंद्र सागर, अशोक मेहरा, धनबाद के राजेंद्र प्रसाद, विशिष्ट सिन्हा, सह सचिव मदन मंजवे, सह संयोजक राजेश सिन्हा, मुख्य सलाहकार कृष्णा सिन्हा, मीडिया प्रभारी सुनील मंथन शर्मा, विनोद शर्मा, अजय शिवानी आदि मौजूद थे। कार्यालय प्रभारी मनोज मुन्ना, नाट्य प्रमुख नीतीश आनंद, नृत्य निदेशक दिव्या सहाय, अजय शिवानी, रवीश आनंद, अनुपम किशोर, स्वाति सिन्हा, सिद्ध प्रसाद, शुभम विकास, रंजन आकाश, सिद्धांत, रंजन सौरभ, रंजन सुमित, इंद्रजीत, क्रांति साहा आदि ने महोत्सव सराहनीय कार्य किया। संघर्ष सुधार समिति की एक बैठक रविवार को पूर्णा नगर में संपन्न हुई। बैठक के दौरान अबू आवास से संबंधित विभिन्न बातों को लेकर चर्चा की गई। बताया गया कि बीते 16 फरवरी को गिरिडीह के विधायक डीसी, डीडीसी, बीडीओ को पत्र लिखकर योग्य लाभुकों को अबू आवास का लाभ मिले, इसको लेकर अपील की गई थी। बैठक में इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई। बताया गया कि अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है, जबकि 60 व्यक्तियों का जियो टैग कर दिया गया है, जबकि और लोगों का बिचौलियों के द्वारा रकम तय कर 106 व्यक्तियों का आवास के लिए चयन कर दिया गया है। बताया गया कि मनरेगा के द्वारा पशु शेड 2020-21 वर्ष में मिला है, जिसका सामग्री का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। बैठक के दौरान कहा गया कि यदि इन सभी बिंदुओं पर जांच नहीं होती है तो संघर्ष समिति बाध्य होकर आंदोलन करेंगी। मौके पर अध्यक्ष प्रेमचंद दास, सचिव सुरेश दास, उप सचिव शंकर राम, कोषाध्यक्ष कमल किशोर, रामेश्वर पंडित, कारू राय आदि मौजूद थे। घर ना है, फूटल घर है, और हम पीला कार्ड बना दी है बाबू। हमर ना देखी को है, बेसहारा खान घर दल के बनवे ले कॉलोनिया ना दली है ना। की बोले मुखिया जी? हम लाले ना के बोलना मुई बोला मुखिया जी तोर बगले में है घर। हां मुखिया जी नाम इसका कार्ड दिया है, हमर नाम से होगा, इसका नाम लिस्ट से हटा दिया। हां दूसरा के इसका नाम से दूसरा भर दिया। अच्छा ठीक ऐसी हम लोग के सरकार के द्वारा से कोई फायदा नहीं मिल रहा है। क्या कारण से नहीं मिल रहा है? जो हम लोग का जाति भाई उसमें समस्या हो चल जाती है, गोतिया भार घर के आता जाता ही बढ़ता है, दुश्मनी कारण से नहीं होने देता है। क्या कारण से लोग सरकार के लाभ कुछ नहीं ले सक रहे हैं? इतना दिन को उम्र गुजर गया है, जो हमसे जो छोटा खुशी है जिसको 19 साल उम्र हो गया उसको आवास आ गया, हम दिए, हमको 55 साल उम्र हो गया। ऐसे नहीं है, जब मुख्य सरपंच से बोलने जाते हैं बोलता है कि उम्र के अनुसार से दिया जाए, तो मेरा पति के 60 साल उम्र हो गया से नहीं पास हुआ है, और जिसको लड़का का 30 साल है और लेडीज का 19 साल है उसको पास हो गया, जिसको माँ के मिला है, बाप के मिला उसी घर हो रहा है, जिसको 10 लोग मिला उसी घर हो रहा है। तो हम लोग का गरीब के घर होबे नहीं कर रहा, कुछ सुनवाई नहीं है हम लोग गरीब के घर, क्या कारण है नहीं कर सकते हैं। कोल्हारिया माथाडी में रविवार को भाकपा माले की बैठक हुई। इस दौरान ग्रामीणों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बताया गया कि यहां 100 घरों का रास्ता एक दबंग ने रोक रखा है। ग्रामीण रास्ता खुलवाने की गुहार भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा से की थी, जिसके बाद श्री सिन्हा ने स्थल पर पहुंचकर वस्तु स्थिति का जायजा लिया और CCL प्रबंधन और पचम्बा थाना को इस मामले से अवगत करवाया था। CCL ने जांच के बाद मामले को सही पाया, जिसके बाद CCL प्रबंधन ने 3 नोटिस भी दे चुका है, लेकिन रास्ता नहीं खुला।
श्री सिंह ने कहा कि अगर जल्दी रास्ता नहीं खुलता है तो भाकपा माले की ओर से आंदोलन का रुख अपनाया जाएगा। बैठक में भाकपा माले से नौसाद आलम के अलावा ताजुद्दीन अफताब, मकसूद सद्दाम नैयर, वसीम हसनैन, सकलेन अस्थेसम, जफर आदि दर्जनों महिला पुरुष मौजूद रहे। अभी हम लोग कुल्हरिया आए हैं माथाडी के पास में, और यहाँ पे इससे पहले भी लगभग 20-25 दिन पहले हम लोग आवाज़ उठाए थे। रास्ता का प्रॉब्लम था, लगभग 100 घरों का जो रास्ता है और जो मेन रूप से जुड़ता है उसमें स्कूल है, अस्पताल है, सारा चीज़ है, वो बंद कर दिया गया। और लगातार ये लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी तो CCL DM साहब से हम लोग मिले हैं और उन्होंने इस पर संज्ञान लिया है। संज्ञान लेने के बाद बहुत जल्द इसका सोल्यूशन भी निकलेगा। निश्चित रूप से हम यही कहेंगे कि जो भी आसपास के लोग हैं संयम बनाए, कभी भी कानून को हाथ में नहीं ले। और अगले से भी यही निवेदन है कि जो लीगल रूप से अगर प्रोसेस से कोई जा रहा है तो आपसी तालमेल बनाकर ही रखना चाहिए। तमाम जो गिरिडीहवासी सुन पा रहे हैं हमारी बात को, भाकपा माले आपके साथ में खड़ी है। चुनावी पार्टी नहीं है जो चुनाव में ही सिर्फ आपको 10 दिन नजर आए, बल्कि जब भी आपकी कोई समस्या हो तो उस समस्याओं को खुलकर बात कर सकते हैं। भाकपा माले आपके घर तक पहुंचेगी, आपके मोहल्ले तक पहुंचेगी और सोल्यूशन के लिए आप योजनाबद्ध तरीके से काम कर बेहतर प्रयास करेगी। हम चाहते भी हैं कि आप भाकपा माले को ज्वाइन करें, क्योंकि आप सिर्फ वोटर नहीं है बल्कि आप किसी के नेताओं के, जो देखिए 90% लोग हैं, उन 90% में 90% लोग जो गरीब लोग हैं उनको अमीर नेता पसंद आ गया। इसलिए इस भारत की दशा और दिशा जो है वो बदलती चली जा रही, अमीर लोग पूंजीपतियों के। श्री आर के महिला कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 के द्वारा रविवार को विशेष शिविर के चौथे दिन सरसिया में योग अभ्यास कराया गया, जिसके बाद गांव में सभी स्वयं सेवकों ने श्रमदान कर साफ सफाई किया और आगे भी सभी को साफ सफाई रखने के लिए जागरूक किया। इस दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से डिजिटल साक्षरता के बारे में जागरूक किया गया। बताया गया कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आज के समय में बहुत ही सुविधाजनक होकर उभरा है। ये जागरूकता अभियान सिरसिया गांव में NSS यूनिट 1 के कार्यक्रम पदाधिकारी नम्रता तिर्की के नेतृत्व में चलाया गया। शिविर में इतिहास विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा ने स्वयं सेवकों को प्रौढ़ साक्षरता की आवश्यकता और महत्व की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि साक्षरता को कोई उम्र सीमा नहीं होती है, साक्षरता सबके लिए आवश्यक है। आज श्री आरके महिला कॉलेज के NSS इकाई 1 के विशेष शिविर के चौथे दिन NSS वॉलंटियर्स ने सिरसिया गांव में जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें स्वयंसेवकों ने गांव के निवासियों को डिजिटल पेमेंट के लिए जागरूक किया और उन्हें ये समझाया कि डिजिटल पेमेंट को बहुत ही आसान और सरल कर देता है, तो डिजिटल पेमेंट को अपनाएं और अपने पेमेंट को सरल और आसान बनाएं। गांडी के लोहारी गांव में आयोजित लोहारी प्रीमियर लीग नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन रविवार को हो गया। दासटी पंचायत की मुखिया निर्मला कुमारी के सकारात्मक पहल पर मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र मंडल के नेतृत्व में यह टूर्नामेंट हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष हसनैन अली शामिल हुए और आयोजनकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हुए खिलाड़ियों का खूब हौसला अफजाई किया। फाइनल मुकाबला शिवांश 11 लोहारी बनाम शंकर 11 पहाड़पुर के बीच खेला गया, जिसमें पहाड़पुर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहाड़ जैसा 110 रन का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। वहीं जवाबी पारी खेलने उतरी लोहारी की टीम ने कुछ खास नहीं कर पाई और निर्धारित 10 ओवर में करीब 80 रन ही बना पाई। उसके पश्चात विजेता टीम व उपविजेता टीम सहित बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अतिथियों के हाथों पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया। इसके पूर्व मंच के जरिए अतिथियों स्वागत फूलमाला पहनाकर किया गया। मौके पर पंचायत मुखिया निर्मला कुमारी, उप मुखिया कन्हाई साह, मुख्य प्रतिनिधि जितेंद्र मंडल, वसीम अख्तर, कमेंटेटर आनंद तिवारी, मोहम्मद एहसान, राजेंद्र मंडल, मोहम्मद हबीब, आजाद मंडल, निर्मल पाठक, आशीष कुमार सहित दर्जनों क्रिकेट प्रेमी उपस्थित थे। देखिए आज गांडे के लोहारी में लोहारी प्रीमियर लीग के द्वारा क्रिकेट मैच के फाइनल
समारोह में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैं सबसे पहले टीम के सभी सदस्यों को बधाई देता हूं जिन्होंने मुझे यहां आने का अवसर दिया। और मैं यही कहना चाहूंगा कि इस तरह के आयोजन से ग्रामीण क्षेत्रों से जो हमारे युवा साथी खिलाड़ी हैं जो रात दिन संघर्ष करते हैं, कहीं ना कहीं इस तरह के आयोजन उन लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से उनके अंदर छिपी प्रतिभा कहीं ना कहीं उभर कर सामने आती है। और हम ये कहेंगे कि इस विधानसभा क्षेत्र में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और हमारे युवा साथी जमकर खेलें। अगर हमारी ज़रूरत कहीं पड़ेगी तो मैं निश्चित रूप से उनके साथ खड़ा हूं और मैं ये कामना करता हूं कि वो जिला खेलें, जिला से राज्य खेलें, देश स्तर तक खेलें। जहां भी हम लोगों की आवश्यकता होगी हम लोग निश्चित रूप से रहेंगे। धन्यवाद। लोहारी प्रीमियर लीग में जो खेल खेला गया वह पुजोरी की टीम विनर हुआ, उसमें मैं बताना चाहता हूँ उन लोगों ने जो खिलाड़ी खेले वो बहुत ही अच्छा, हमारे प्रखंड लेवल का खिलाड़ी खेल रहे थे और उन सब से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आगे भी खेले और हम इस तरह का आयोजन करते रहेंगे। हम लोगों का साथ है, इसलिए मैं उन खिलाड़ियों से फिर आग्रह करता हूँ कि आगे बढ़े और बढ़ चढ़कर अपना नाम इस प्रखंड का ऊंचा। JBKSS द्वारा रविवार को बनियाडी स्थित फुटबॉल मैदान में जन आशीर्वाद संकल्प यात्रा के तहत जनसभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए JBKSS के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो ने कहा कि झारखंड में खनिज संपदा का भरमार होने के बाद भी स्थानीय लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों का पलायन कर रहे हैं, जबकि बाहरी लोगों को झारखंड में न सिर्फ रोजगार पर कब्जा जमाए हुए है बल्कि आर्थिक रूप से संपन्न बन रहे हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्र व झारखंड सरकार पर बरसते हुए कहा कि सरकार सिर्फ जनता की समस्याओं को दूर करने के बजाय सत्ता भोग में लगे हुए है। झारखंड सरकार टिप्पणी पर करते हुए कहा कि सोरेन परिवार सिर्फ सत्ता भोग के लिए है न कि झारखंड विकास के लिए काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने सदर विधायक पर भी कटाक्ष करने के साथ ही जिला प्रशासन व सीसीएल प्रबंधन पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें झंडा मैदान में कार्यक्रम आयोजित नहीं करने देने एवं एक माह पूर्व कार्यक्रम के लिए दिए आवेदन देने के बाद भी रोक लगाने के लिए नाराजगी जाहिर की। सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के केंद्र महासचिव मोहम्मद फरजान खान, केंद्र महामंत्री रॉकी नवल, केंद्र सचिव नागेंद्र चंद्रवंशी, पूजा महतो, पंचम इक्का, राजू महतो ने केंद्र व झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ सत्ता सुख चाहिए, जनता की परेशानियों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। कहा कि जनता की परेशानियों को देखते हुए ही टाइगर जयराम महतो ने चुनाव में आने का निर्णय लिया है ताकि वे सदन में जाकर जनता की समस्याओं को उठा सके। ज्वलंत विषयों को लेकर जाते हैं, प्रदूषण के मामले को लेकर जाते हैं तो साहब कहते हैं कि रुकिए इस पर काम हो रहा है, आश्वासन देने का काम सुदीप कुमार सोनू देते हैं। लेकिन सुदीप जी को स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि ये 1972 वाला झारखंड नहीं है माननीय विधायक महोदय, ये प्रदेश 24 वाला प्रदेश है, ये काफला सजकर तैयार हुआ है। जयराम महतो के आगमन से दिल्ली थर्राएगा, ये तैयारी हमारी है। चंपाई सोरेन जी का आगमन आपके बगल में हुआ है, इतना भय का वातावरण कि हमें परमिशन नहीं दिया जाता है। ये टाइगर का धमक है, ये टाइगर का डर है, टाइगर का भय है। अरे भाई, हम लोगों से सुदीप जी आप क्यों डर रहे हैं? आप भले ही दिल्ली में चंद्र प्रकाश चौधरी से बैठकर चाय पीते होंगे, ये आपका बिजनेस का मामला है, लेकिन इस बार प्रदेश तैयार है, प्रदेश अपने हिसाब के लिए तैयार हुआ है।
639.20 करोड़ की राशि से पीटांड मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और मंत्री बसंत सोरेन ने किया उद्घाटन। 3 साल में योजना को पूरा करने का रखा गया लक्ष्य। 8531 हेक्टेयर भूमि को किया जाएगा सिंचित। पारंपरिक तरीके से अतिथियों का किया गया स्वागत। दस माह से बिना मानदेय के काम कर रही जीएसएलपीएस में कार्यरत जेसीआरपी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने झंडा मैदान में की बैठक। बकाया मानदेय का भुगतान 20 मार्च तक करने का किया गया मांग, वरना उग्र आंदोलन करने के लिए दिया गया अल्टीमेटम। कोडरमा लोकसभा चुनाव के लिए भाकपा माले ने कोवार से किया अभियान की शुरुआत। सदर प्रखंड के प्रमुख पार्टी कार्यकर्ताओं की भी हुई बैठक। सभी बूथों पर कमेटियां बनाने का लिया गया निर्णय। और कला संगम के तत्वावधान में आयोजित नाट्य महोत्सव के तीसरे दिन 5 नाटकों का हुआ मंचन। दर्शकों ने उठाया शानदार अभिनय का लुप्त। उत्साह से भरा रहा माहौल। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुणे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।